हम लगा के आयशा। लो मेरे फैंस आ गए, देखा जानो। सुमो में से सुमो पहलवान उतर रहा है, पिकनिक मना रहा है। अच्छा तो आप लोग जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं? तो क्या तुझे पेट्रोल देने आए हैं? तो बस थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी से निकाल कर गाड़ी में डाल दो। थोड़ा क्यों, टैंकी फुल कर देंगे। तुझे रेगुलर चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पावर वाला? एक्स्ट्रा पावर वाला, ज्यादा जोश आ जाएगा। ज्यादा जोश आ जाएगा, जरूर दूंगा। पहले अपना नाम तो बताए। FM फुल टू मजनू द लव गुरु। ये कम सिंह कन्या कौन है तेरे साथ? ए क्या घटिया सवाल किया ब्रो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? फ्रेश पीस। तूने इसे बाइक का लालच देकर अपने जाल में पकड़ लिया है। पकड़ती तो ये है कसके। हेलो सर, आई एम बसंत। वेट, इसे कराओ, डेट मेरे साथ है, पार्टी बदलो। यस मिस्टर फुल टू मजनू, जंगल में क्या कर रहा है तू? आप भी ना, तोन बढ़ा ली पर दिमाग नहीं बढ़ाया। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर आए। ये बात है, तू रेडियो स्टेशन से इस एकांत जंगल में सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए आया है? इस इंस्पेक्टर शिंदे को शेंडी मत लगा। अब तक तो नहीं लगी। मजाक उड़ा रहा है, मेरी खींच रहा है। हाँ। अभी तुम्हारे फोन से फोन किसने किया था बताओ? मेरे चेले ने ब्रो, वो अपने आइटम के साथ साइट सीइंग करने गया। क्या कहा तूने, वो तेरा चेला है? ए, ऑर्डिनरी चेला नहीं है, एकलव्य जैसा है। तू जानता है वो कम सिंह किसकी बेटी है? होगी किसी गधे की बेटी। वो किसी गधे की बेटी नहीं है, गधे बवंडर बिहारी की बेटी है। बवंडर? वो कौन है? सर ये रॉन्ग है सर, जिस देश में आतंकवादी से नरमी से पेश आते हैं, उस देश में मुझ जैसी सेलिब्रिटी को सेल में धोया जा रहा है। खामोश, बता जल्दी बोल, बवंडर बिहारी की बेटी को तेरा कमीना चेला कहाँ ले गया है? सर आपका डंडा तो उठाना। आपके पतले डंडे की कसम, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं, वो तो बस मेरा चेला है। मार डाला। चेला है और तूने उसे अपना फोन ऐसे ही दे दिया? चेला साइड सिंह पे और गुरु पिंकी के साथ। करेक्ट, स्मार्ट बॉय है, इसलिए इतनी कमली उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर मार डाला। जबान का भी तो इस्तेमाल करो। मैं सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सबका इंस्पेक्टर हूँ। सर बड़ी मुश्किल से इस ढलती उम्र में कबली पीस हाथ में लगी है और आप मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेरे जा रहे हैं। वो मेरा चेला नहीं है। अगर तेरा चेला नहीं है तो तू उससे अपने पैर दबा रहा था। काना आइटम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला। ए बदली कर। अच्छा, अपना स्टूडियो छोड़कर शहर से तू सीधा जंगल तक लॉन्ग ड्राइव पर गया था? अरे कम अकल वाले भैंसे, बार बार वही रट लगा रखी है। बोला ना कि वो ऐसे चिपक के बैठी थी कि मजे लेने में पता ही नहीं चला कि कब मैं जंगल में घुस गया। ऐसा है क्या? और क्या। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर सबूत इकट्ठा करने, मैं भी तो देखूंगी तेरी बात कितनी सच्ची है। सर वो फूल जैसी नाजुक और आप भैंसे जैसे भारी, क्या होगा? प्यार में नो टेंशन बालक, नो सॉरी। मैं अपने मोटे से फिगर को पतला करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा हूँ, शायद तेरी तरफ मेरी भी तन्हाई दूर हो सके। अब समझ में आया बच्चन साहब क्यों बोलते हैं कि कॉल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जाओ जाओ टेस्ट ड्राइव लो। राजा बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा लो ना। काश खा सकती पर अभी नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। तो फिर ये पेड़ पत्ते खा लो ना। मैं बकरी थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, क्या है? कुछ आवाज आ रही है ना। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। चलो नहाते हैं। मुझे नहीं नहाना, तुम जाओ। क्यों? मैं दो दिन में एक बार नहाता। लेकिन क्यों? हमारी बस्ती में एक दिन छोड़कर पानी आता है। तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ओके। नहीं, पूरे 13 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया था। आज उस जमीन पर हमारा काम शुरू हो चुका होता पर उसकी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाओ, तुम्हारे इसी गर्म दिमाग की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया। बवंडर, जो काम चाकू से नहीं होता वो गन से होता है, जो गन से नहीं होता वो बॉम्ब से होता है।
और जो काम बॉम्ब से भी नहीं होता वो मेरा बेटा कर सकता है। सुनो। हाँ सर। फोन करके उसे दुबई से बुलाओ। हाँ सर। साला घड़ी घड़ी ऑर्डर देता है। में पावर, जेब में पुलिस और गुंडे 1040, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। दरअसल वो लड़का हजारों पर भी अकेला भारी है। हाँ, मगर आप सबका दिमाग खाली है। आप उससे मेरी शादी करवाने वाले थे और उसकी प्रॉपर्टी का लालच देकर कहा कि उसे दूर रहो, और इसीलिए आपने मुझे दुबई भेज दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? एयरपोर्ट वो गए नहीं, किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन वो पहुंचे नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर कहां गए वो दोनों? नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लुका छुपी का खेल उन्होंने शुरू किया और देखना खत्म मैं करूंगा। फॉरेस्ट टीवी चैनल देखकर तो लगता था कि जंगल बहुत ही रोमांटिक होगा, पर मेरे तो सपनों पे पानी फिर गया। ए, ऊपर आसमान खत्म नहीं होता और यहां तुम्हारी बकबक, पता नहीं रास्ता लेफ्ट से निकलेगा या राइट से, और तुम्हों की तुम्हें रोमांस की पड़ी है। चलो। सफेद कमल के फूल। ए, रुको। पानी गहरा हुआ तो डूब जाओगी। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद हैं। प्लीज एक ला कर दो ना। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद है, लेके आना। क्यों? कुछ नहीं। तुम्हें सफेद कमल के फूल पसंद है? ये मेरी जान है। और तुम्हें? ये मेरी जान को पसंद है। कौन है वो? माधवी। वहां देखो, वहां क्या आग लगी होगी? नहीं, धुएं का मतलब है कोई घर या ढाबा होगा। थैंक गॉड, मुझे कुछ तो खाने को मिलेगा। और मुझे शायद फोन मिल जाए। अरे भैया, 10 वाला चिप्स कितने का? 10 का। 10 का? एक रुपए में देता है क्या? शादी में है। 5 का आधा देते। चल निकल। तू नहीं दिया, मैं ले लिया। क्या पैसा पैसा करता रहता है। फोन नजर नहीं आ रहा। यहाँ का स्पेशल अदरक कटिंग चाय, आपने पानी फ्री। ए, पहले मैं आया हूँ, मेरे टेबल पे पानी रख। तो ढाबे के बाहर चिप्स बेचता है और अंदर वेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कान खजूर है। अगर आधे सेकंड में टेबल पे इडली नहीं दिखी तो एक सेकंड में तेरा ढाबा नहीं दिखेगा। चल निकल, चल। क्या लाओ सर? तुम्हारे पास फोन है? घर पे पंच मार रहा है। मैं क्या पंच मारूंगा सर, वो झंडू मेरी मारता है। देखो दोस्त, मुझे एक अर्जेंट फोन करने के लिए फोन चाहिए। फोन तो झंडे के पास है, लेकिन पहले आपको बिल चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ। अरे पहले सुनो, 4 गर्मा गर्म रोटी और अंडा करी लेकर। अरे यार, सैटरडे मैं अंडा नहीं खाती। तो क्या खाओगी? एक्चुअली चिकन लेकर आना। अभी तो कहा तुम अंडा नहीं खाती। उसकी मम्मी चलेगी। लेकर आओ। ये ले इडली तेरी। अबे तो बासी है। ताजी है। ठीक है, चटनी डाल। ये ले ठूस। चटनी इडली के पास होनी चाहिए। ले आ गई। खुश? हाँ। अब झुक के खाना। चलेगा।
अन्ना, खाने का ऑर्डर दिया है, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। ओहो, फोन चाहिए? मुझे घर पर एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके बाद ले लेना। हेलो सर, आपने जिनका फोटो दिया था वो मेरे ढाबे पे हैं। मैंने किसका फोटो दिया था? मैंने दिया था। बोलो। वो इस वक्त मेरे ढाबे पर खाना खा रहे हैं सर। उन्हें वहीं रोक के रखना। आदमी जल्दी भेजिए सर। सुनो बेटे, तुम्हें इसी वक्त नंदी का ढाबा जाना होगा। भाई साहब, ये लीजिए फोन, आराम से बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। The number you have dialed is currently not reachable. Please try later.